नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। बिहार में मौसम का मिजाज जानलेवा बन गया है। वज्रपात के कारण रविवार को 5 से 7 लोगों की बिहार में मौत हुई है। उत्तर प्रदेश में बने चक्रवात के कारण राज्य में बारिश के आसार काफी बढ़ गए हैं। प्रदेश के ज्यादातर जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश और वज्रपात की आशंका मौसम विभाग ने जाहिर की है और इसके लिए राज्य के कई हिस्सों के लिए चेतावनी भी जारी कर दी गई है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों का कहना है कि वर्तमान में पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर असम तक एक ट्रफ लाइन गुजर रही है, जिससे प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में बारिश की स्थिति बन रही है। प्रदेश में सोमवार के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। ऐसे में घर से बाहर निकलने से बचना होगा। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के विज्ञानी संजय कुमार का कहना है कि वर्तमान में पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक चक्रवात बना हुआ है। इसका सीधा असर बिहार पर पड़ रहा है। इसके अलावा एक ट्रफ लाइन पूर्वी उत्तर प्रदेश से असम तक गुजर रही है। इस ट्रफ लाइन को भारी मात्रा में नमी बंगाल की खाड़ी से मिल रही है, जिस कारण प्रदेश के उत्तरी और पूर्वी भाग में आंधी चलने के साथ बारिश हो रही है। वहीं फारबिसगंज में 12 मिलीमीटर तो सुपौल में 4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से जुड़े इलाके में भी एक चक्रवात बना हुआ है, उससे भी प्रदेश को काफी नमी मिल रही है। मौसम विज्ञानियों का कहना है कि ये प्री मॉनसून का दौर है, ऐसे में आंधी आना और बारिश का होना स्वाभाविक है। इस तरह की स्थिति मध्य जून तक बनी रहेगी। प्रदेश में मध्य जून में मॉनसून आने की उम्मीद जताई जा रही है। उसके बाद प्रदेश में मॉनसून की बरसात आरंभ हो जाएगी। इस वर्ष मॉनसून के दौरान राज्य में अच्छी बारिश होने की उम्मीद है। सामान्यतः प्रदेश में मॉनसून के दौरान 1000 मिलीमीटर बारिश होती है और अब मौसम विज्ञान ने बिहार के कई जिलों के लिए और कई क्षेत्रों के लिए चेतावनी जारी कर दी है और कहा है कि आने वाले कुछ दिनों तक, यानी कि 2 से 3 दिन या 4 दिन ये मौसम बना रह सकता है और ऐसे में लोगों को सावधान और सजग रहने की जरूरत है। हालांकि लॉकडाउन और कोरोना के चलते लोग वैसे भी अपने अपने घरों में हैं। ऐसे में मौसम विभाग का कहना है कि घरों में ही रहे और ज्यादा मौसम खराब होने पर बाहर ना निकले, क्योंकि बारिश के साथ साथ वज्रपात की भी संभावना जताई गई है और जैसा कि इससे पहले मौसम विभाग ने संभावना जाहिर की थी वैसा ही हुआ और वज्रपात के कारण बिहार में अब तक 1 से 2 दिनों में 5 से 7 लोगों की मौत हो चुकी है। इसलिए हम भी यही कहेंगे कि आप खुद को सुरक्षित रखें और सावधान रहें। आप बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें।